जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अफजल जावेद से। अफजल जावेद, बताइएगा अब तक की कार्रवाई के बारे में। हाँ जी, देखें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास आज दोपहर में होने हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। और इस दरख्वास्त में इस्तः की गई है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने का जो है हुक्म जारी किया जाए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल होने वाले नोटर्स को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। साथ साथ इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि जितने भी जाहिर किए गए एहसासें हैं वो जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से सासों पर कभी भी कोई नोटिस नहीं आया और मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम जो है अदलिया पर हमला है। साथ साथ इस दरख्वास्त में भी कहा गया है कि कौंसिल ने मेरे इतराजात तय किए बगैर ही आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की इस कार्रवाई को गैर कानूनी करा दिया जाए। अफसर जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।